हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं इस सीरीज़ को शुरू। तो वर्ष 1917 में रूस की क्रांति कितने चरणों में संपन्न हुई थी? दो चरणों में, ठीक है। पहले फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन, उसके बाद है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने किस वर्ष रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? तो 1898 में। रूस में किस वर्ष सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया था? तो 1900 में किया गया था, 1900 में। रूस में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक कौन थे? जदीदियो, ठीक है, जदीदियो। रूसी क्रांति के दौरान किस वर्ष जाड ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी थी? तो 1905 में, 1905 में। ड्यूमा वहाँ की संसद को कहा गया है, रशिया की। जरीना अलेक्जांड्रा किसके किस सलाहकार सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया? तो रासपुतिन जो कि एक क्या थे, हम कह सकते हैं कि जो चर्च के पादरी होते हैं। और जरीना अलेक्जांड्रा किसकी बीवी थी? जॉर्ज निकोलस द्वितीय की। तो ये रासपुतिन के दबाव में रह के काम करती थी, जैसा वो कहते थे वैसे ही करती थी। जार ने पहले ड्यूमा को मात्र कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? 75 दिनों के भीतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था? तो 1927 से लेकर 1928 में। फिर उसके बाद है, रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है? कुलुक कहा गया है, जो वहाँ के संपन्न किसान थे जिनके पास खेत थे बड़े बड़े। रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? पारंपरिक खेती, ठीक है, पारंपरिक जो खेती थी उसको कोल खोज कहा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। किस वर्ष कृषि दासों की मुक्ति की राज घोषणा प्रकाशित की गई? 1861। किस अध्यक्षता में सामाजिक सरकार की स्थापना हुई थी? जॉर्ज स्लोव के द्वारा। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1903 रशिया में, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन ने रूस में अब कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी? 16 अप्रैल 1927 को, ठीक है, इसको 1917 को, 1917 को। इसको अप्रैल थीसिस, लेनिन की अप्रैल थीसिस भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें लेनिन ने कहा था कि किस तरह से उन्हें क्रांति करनी है और रशिया में बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनानी है, ठीक है, और वहाँ के जो सिस्टम है उसको हटाना है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? मार्क्सवाद ने, ठीक है। कृषि दासों का मुक्ति आंदोलन कब हुआ था? सन 1855 में। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में किस वर्ष हुआ था? 1889 में, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। 20वीं शताब्दी में जापान में नाजीवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? हिटलर को। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की थी? वर्ष 1919 में। हिटलर को जर्मन चांसलर के पद पर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग द्वारा कब नियुक्त किया था? तो 1933 में, ठीक है, वहाँ का चांसलर बना दिया गया, ठीक है। चांसलर वहाँ पे एक विशेष पद है जिसके पास सर्वोच्च पावर होती है, जिस तरह से हमारे भारत में प्रधानमंत्री के पास पावर होती है। किस अधिनियम के अंतर्गत जर्मन में तानाशाह सरकार की स्थापना की? विशेष अधिकार अधिनियम 1933, इनबेलिंग एक्ट कहते हैं इसको, इनबेलिंग एक्ट 1933 में। गेसा टापो क्या था? राज्य गुप्तचर पुलिस, ठीक है, कहाँ का? जर्मनी का। हिटलर ने नस्लवादी सोच निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित है? डार्विन एवं स्पेंसर के। लेबेनस्ट्रॉम नामक विचारधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भू राजनीतिक अवधारणा के। जर्मन में नाजीवादी सरकार द्वारा यहूदियों के उन्मूलन हेतु गैस चैम्बर का निर्माण कहाँ किया गया था? पोलैंड में। इन्होंने क्या क्या किया था जर्मनी में, हिटलर ने पोलैंड में बहुत सारे लोगों को, किनको, जो यहूदी थे, इसके अलावा जो लोग कौन थे, जो फिजिकली विकलांग थे, ठीक है, जो दिव्यांग लोग थे, उन लोगों को इसने क्या करा था, कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप जो वो होते हैं जहाँ पे सजाएं दी जाती है, जैसे गैस चैम्बर बनाए, तो ये पोलैंड में बनाए और बहुत सारे यहूदियों को, लाखों यहूदियों को मारा था इन्होंने, ठीक है। यहूदी जो ज्यूस कम्युनिटी होती है, जैसा हमारी हिंदू कम्युनिटी इंडिया में है। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं थोड़े से, उनको देखते हैं। जर्मन किस देश पर आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो पोलैंड पर, जब इन्होंने क्या करा था, पोलैंड को अपने अंडर ले लिया था, किसने? हिटलर ने, 1939 की बात है।
निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला वाला है हिटलर निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों का बहिष्कार कर जर्मनी को ताकतवर बनाने लगा। सही है, ठीक है। जो उसमें पहले जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद हिटलर के ऊपर कुछ संधियाँ थोप दी गई थी, ठीक है। तो उसमें निःशस्त्रीकरण मतलब हथियार नहीं रखना था, तो इससे परेशान था। वर्षा की संधि में इटली भी संतुष्ट, इसलिए वहाँ मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ, ये गलत है। द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए ध्रुवीय राष्ट्रों की नीतियों को सबसे अधिक जिम्मेदार माना गया है, ठीक है। ध्रुवीय राष्ट्र मतलब केंद्रीय राष्ट्र, सेंट्रल पावर जो थी जो जर्मनी और बनी थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। जर्मनी को पुनः ताकतवर बनाने में ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियाँ ही जिम्मेदार थी, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिटलर के नाजी पार्टी के कार्यक्रम में कितने बिंदुओं को शामिल किया गया था? 14 बिंदुओं को। हिटलर द्वारा स्थापित गैस चैम्बर को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, ठीक है, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, ठीक है। हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक, इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसको कहा जाता है मैन कैम्प। नाजी दल के सदस्य किस रंग की शर्ट पहनते थे? ब्राउन कलर की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 280 क्वेश्चन कराए मैंने हिस्ट्री के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। फिर से एक नई कोशिश के साथ नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।